जम्मू भर के लोगों को ये चिंता थी कि तीन दिन के लिए जो पानी बंद करने की बात कही गई है पीएचई विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, उसके चलते तीन दिन का समय किस प्रकार से निकलेगा, वही पानी बंद करने की सर्विस को लेकर क्या खबर आ रही है। इस वक्त हम इसी कार्यालय में मौजूद है, तमाम डेली वेजर्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे मौजूद। सर, आपने कहा था कि तीन दिन तक यहाँ पे पानी की जो सर्विस आप लोग देते हैं, जितना भी काम करते हैं, उसे बंद कर दिया जाएगा, उस पर अभी क्या खबर निकल के आ रही है? देखिए, जो 17 अक्टूबर को डिप्टॉम साहब से हमारी बातचीत हुई थी, उसके बाद हमने जो काम छोड़ स्ट्राइक थी उसको बंद किया। प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू था और प्रोटेस्ट आगे भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। 16 तारीख का, 17, 18 का, जो 3 दिन का 72 घंटे का हमने काम छोड़ बोला था, उससे पहले आज दिन को हमारी हायर अथॉरिटी से बात हुई। डीसी जम्मू मैडम बैठे थे, हमारे हायर ऑफिसर बैठे थे और उन्होंने ये कहा कि हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं काबरा साहब, वो बाहर गए हुए हैं, 20 को या 21 को वो जम्मू आएंगे। अगली मीटिंग हमारी उनसे होगी, उसके बाद ही हम कोई अगला फैसला लेंगे, लेकिन तब तक हमारा जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम वो चलता रहेगा। 72 घंटे का जो काम छोड़ वो हम उसको सस्पेंड कर रहे हैं फिलहाल आने वाले दिनों में, क्योंकि लोगों को रोजे भी आने वाले हैं और नवरात्र भी आने वाले हैं, तो हम नहीं चाहते किसी को तंगी तकलीफ हो, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो भी जरूरी था, इसलिए हमने ये कॉल डीसी मैडम के एश्योरेंस पे, उन्होंने कहा कि हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात करवा के, जैसे जम्मू आते हैं बात करवा के ये मसला सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश की जाएगी। और हम भी टकराव नहीं चाहते, हम चाहते ये बातचीत से मसला हल हो। हमने दो टुक उनके सामने रखी, या तो हमें रेगुलर किया जाए या हमारी मदद करो कि सरकार हमारा पेंडिंग दे दे, हमारा 20-25 का पीएफ दे दे, हम लोग जाने को तैयार हैं। और हमारे जितने कोर ग्रुप की टीम के लोग जहां आए थे डिस्ट्रिक्टों से, उनसे बातचीत करने के बाद सबकी आम राय ये बनी कि इस डेफर को, इसको 72 घंटे जो काम छोड़, इसको डेफर किया जाए, सस्पेंड किया जाए फिलहाल, लेकिन प्रोटेस्ट प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा जब तक, जैसे हमारा नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। थोड़ा शॉर्टकट में मैं आपको जरूर समझा देना चाहती हूँ, डेली वेजेस का जो प्रदर्शन चल रहा है मांगों को लेके, वो प्रदर्शन बंद नहीं हुआ है, लेकिन तीन दिन के लिए जो काम छोड़ो हड़ताल थी, उस काम छोड़ो हड़ताल को फिलहाल के लिए इन्होंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि इनकी बात हुई है अथॉरिटीज के साथ और उन्होंने ये अश्वस्त किया कि अगली मीटिंग जो है वो इनके साथ करवाई जाएगी, बातचीत का रास्ता भी अपनाया जाएगा। सर, 3 दिन आप लोगों की तरफ से जो हड़ताल वाली बात थी, आपने उसे कहीं ना कहीं विश्वास करके अब तक के लिए जो आपने डिसाइड किया था उसे छोड़ दिया, उसके बाद अगर सॉल्यूशन निकलता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता है आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए मैडम, हम लोग इसलिए हमने कहा प्रोटेस्ट हमारा जारी रहेगा, हम जब चाहेंगे दोबारा कॉल दे सकते हैं, हम स्ट्राइक बंद निकाल ऑफ नहीं कर रहे, हम जो 72 घंटे काम छोड़ा उसको डेफर कर रहे हैं, और आने वाला जो महीना है उसमें माह रमजान जिसको रोजा भी है और पवित्र नवरात्र का त्योहार भी है, तो इन सबको देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ रिक्वेस्ट की कि आप हमारी बात मानिए और जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आपके आते हैं उनसे बातचीत करिए, हम भी ये चाहते हैं ये मसला हल हो, हम टकराव नहीं चाहते, हमें कोई शौक नहीं है रोज रोज सड़कों में आने का, इसलिए आज हम सड़कों पर नहीं निकले। आपने चीफ ने कॉम्प्लेक्स में ही प्रोटेस्ट प्रोग्राम किया, चीफ ने ऑफिस को ही लॉक किया, लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारे लिए सारे रास्ते खुले हैं, और आपके माध्यम से सरकार को दोबारा एक अपील है कि पानी का लेवल बरसात ना होने की वजह से बहुत डाउन है, जहां 2 लाख गैलन पानी का डिस्चार्ज था आज वहां 1.5 लाख भी रह गया, तो अगर हम लोग काम छोड़ कर आगे जाएंगे, अगर आप ये इस बार भी ये आश्वासन सिंपल रहा, लिंगरान रहा या लॉलीपॉप रहा, तो अगली जो तैयारी होगी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है आने वाले दिनों में, हम उस डेट की भी और टाइम और किस तरह का प्रोग्राम होगा। गर्मियां भी लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में अगर पानी की किल्लत हो जाएगी तो आम जनता को सबसे ज्यादा समस्या का सामना करने को मिलेगा, प्रशासन को क्या चाहिए, क्या हल निकाले, क्योंकि लंबे अरसे से आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता को भी समस्या ना फेस करनी पड़े, आप लोगों का हल भी हो जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता इन्हें कोई निकाल देना चाहिए? देखिए मैडम, हम बीच का रास्ता नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं या तो सरकार हमको रेगुलाइज करे या हमारा पेंडिंग दे दे, 20-25 साल का पीएफ दे दे, हमको टर्मिनेट कर दे, कहाँ से लोग ला के लगाएं, लोगों को हम भी देखते हैं कैसा साफ स्वच्छ पानी देते हैं, कैसा 24/7 लोगों को पानी प्रोवाइड करते हैं, ये हम लोग ही थे जो कोविड में काम करते हैं, ये हम लोग ही हैं जो बर्फ में काम करते हैं, ये हम लोग ही हैं 15-15 किलोमीटर जंगलों में जाके सोर्स जहां पानी के वहां से पानी जलाते हैं, हमारे जहां इंसानी जात नहीं होती बर्फ में, हमारे वहां साथी वहां जाके पानी की पाइपें रिपेयर करते हैं जहां पे इंसानी जात नहीं है, 2-3 किलोमीटर बर्फ होती है, लेकिन हम अपना फर्ज समझे। अधिकारी जो बैठे हैं आज, हम उनको बिल्कुल क्लियर बता दिया कि बगैर पॉलिसी हम लोग जाने वाले हैं, हम घर से 9 महीने से जो निकले हैं फैसला करवाने निकले, हम बीच के रास्ते की तरफ नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी SR 64 के तहत चाहते हैं,
कोई सरकार ने हमारे पे एहसान नहीं करना है। और ये हर एक ऑफिसर मानता है कि आप रीढ़ की हड्डी हो, आप बैकबोन हो, एलजी साहब से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक, पंच से लेके प्राइम मिनिस्टर तक हमारी समस्या जानता है, बच्चे से लेके बूढ़े तक। लेकिन ये जितने आपको चेहरे दिख रहे हैं आज हमारे कुछ साथी अभी और रात को भी आने वाले, क्योंकि तीन दिन का डे ना प्रोटेस्ट भी था और काम छोड़ भी था, तो हमने साथी को रिक्वेस्ट की है कि हमने डीसी मैडम, डीसी जम्मू की मैडम के कहने पे हर थाटी से उन्होंने बात की है। जैसे हमारे परमार साहब, सॉरी काबरा साहब आते हैं, उनसे मीटिंग के बाद क्या होता है, उनकी मीटिंग के बाद ही हम अगला निर्णय देंगे, अगली हम कॉल कब देने जा रहे हैं और किस तरह की होगी। जैसे कि आपने सुना यहाँ पे बड़े साफ शब्दों में बता दिया गया है कि फिलहाल के लिए आप आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए, जो दिन त्योहार हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए पानी बंद ये लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इन्हें ये अश्योरेंस दी गई है कि जैसे ही हायर अथॉरिटीज यहाँ पे पहुंचेंगी, इनकी मांगों को उन तक पहुंचाने का एक जो माध्यम है, बातचीत जो एक माध्यम है, वो जरूर करवा दिया जाएगा। अब इसी बात पे विश्वास करके ये अपनी काम छोड़ो हड़ताल को फिलहाल के लिए स्थगित कर रहे हैं, परंतु जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेके, वो लगातार अभी चल रही है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनसे क्या बातचीत की जाएगी, क्या उनके मसलों को हल करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आम जनता को कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। अब इन तमाम बातों के क्या जवाब होंगे वो तो कुछ ही दिनों में पता चल ही जाएंगे, उसकी जानकारी भी जल्द आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मैं रीतिका राजपूत, कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद।